देखिए ऑटोकैड में हमें सपोज इंचफिट में अपनी ड्राइंग स्टार्ट करनी है बनाना, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑटोकैड पे गए, न्यू पे गए, इंचफिट के लिए हमें टेम्पलेट इंपीरियल वाली लेनी पड़ती है, ए कैड टेम्पलेट। जब हम ए कैड टेम्पलेट लेके ओपन करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट भी सेट करनी पड़ती हैं, डायमेंशन भी सेट करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही तो हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो बार बार आपको ये यूनिट्स एंड डायमेंशन सेट ना करना पड़े, इसके लिए आज हम देखेंगे कि कैसे अपनी टेम्पलेट बना के ऑटोकैड पे सेव करना है, ताकि ये यूनिट का जो बार बार रोज काम करते हैं हम, इससे हम अपने टाइम को और मेहनत को बचा सके। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, पहले यूनिट कमांड पे जाना है, यूएन एंटर किया, आपने जो यूनिट पे काम करना है, जो स्टैंडर्ड पे काम करना है, वो आप सेटअप कर लो। यहाँ से कर दिया हमने, ओके कर दिया, डी एंटर किया, देन मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट पे गए, डेसिमल की जगह पे हमने इसको भी किसमें किया, इंजीनियरिंग में, प्रिसीजन का पॉइंट के बाद दो यूनिट का किया, ठीक है, ट्रेलिंग बंद कर दी। यहाँ से टेक्स्ट की हाइट हमने यहाँ से 6 इंचेस कर दी, एरो साइज भी 6 इंचेस कर दिया, एरो के शेप को भी हमने आर्किटेक्चर टिक में कन्वर्ट कर दिया, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन 3 की कर दी, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन की वैल्यू भी 3 कर दिया हमने, और ये एक्सटेंड लाइन टाइप एक्सटेंशंस को भी हमने क्या किया, चेंज कर दिया, हिडन में कर दिया। ओके किया, सेट करंट, क्लोज कर दिया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यूनिट सेट कर दी, डायमेंशन सेट कर दी, लेकिन कुछ बनाया नहीं। बनाने के अलावा इसको यहाँ पे फाइल टाइप पे गए, सेव एज ऑप्शन पे गए, सेव एज पे जाने के बाद अभी तक हम क्या करते थे, DWG फॉर्मेट में सेव करते थे। अब आप यहाँ नीचे फाइल ऑफ टाइप पे क्लिक करेंगे और इसको चेंज करेंगे आप यहाँ से इस वाले फॉर्मेट में, क्या है पढ़िए, ड्राइंग टेम्पलेट शॉर्टकट, इसका फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या है, .dwt। ड्राइंग का फॉर्मेट क्या था, ऑटोकैड की फाइल सेव करेंगे .dwg, बट इसका फॉर्मेट क्या है, .dwt। आप इस पर जाके क्लिक करिए, ये अपने आप लोकेशन खोलेगा, यही वो लोकेशन है जहाँ से आप अपनी फाइल सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे आप अपनी फाइल को नेम दे दो, मैंने नाम दे दिया इंचेस एंड फीट, पहले से एक बनी हुई थी, मैंने उसको रिप्लेस मार दिया, ओके कर दिया, हो गई सेव। अब इस पर काम मत करिएगा, इसको कट कर दिएगा, ठीक है। वापस से ऑटोकैड पे चलते हैं, न्यू फाइल टाइप पे गए, सेव नहीं हुई क्या, फाइल सेव एज DWT, यहाँ नाम दे दिया इंचेस एंड फीट, हो गए सेव। इसको कट कर दिया हमने, यहाँ पे गए न्यू पे, अब देखिए आ रही है कहीं पे फाइल टाइप वाली, हमने उसको जाके सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ओपन किया। अब आप देखो इसमें यूनिट कौन सी आ रही है, इंजीनियरिंग जो हमने सेट की हुई थी, इस पे भी सेटअप हुआ वही आ रहा है। तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर अब अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।